वेलकम बैक टू द चैनल। जो हमारा आज का वीडियो है बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मार्कोर, क्योंकि उसके पीछे दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना है, क्योंकि मेरी कराटे क्लासेस स्टार्ट हो रही है और आशी की डेमो क्लास है जो है डांस की, क्योंकि आपको पता है कि आशी को कितना डांस का शौक है, आशी कितनी एंथुसिएज्म के साथ डांस करती है, तो उसलिए। और आपको इतने दिन से अपने व्लॉग्स वीडियोस इसलिए नहीं ला पा रहे थे क्योंकि हमने कफ एंड कोल्ड था, पर अब हमने हिम्मत की कि बहुत हो गया, अब हम चलते हैं। तो फिर अब आप अपनी पूरी ट्रिप, अपने पूरे रास्ते को इंजॉय करिए। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन, कि आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाए। और सर्च आपको नहीं करना पड़ेगा, अगर आप हमारे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन करेंगे, तो आओ। तो गाइस, आपको ये रास्ते, तो फ्रेंड्स आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि ये शिमला के रास्ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिमला काफ़ी हिली रीजन है, और आपको पता है कि देखिए कि मतलब काफ़ी सारे इतने हिली स्लोप्स हैं, तो ये देख लीजिए सारे ग्रीनरी है, इसलिए सारे शिमला के रास्ते हैं ग्रीनरी, हाउसेस भी बहुत सारे। और जहाँ हम लोग रहते हैं, ये शिमला का सबसे पॉश मतलब पॉश एरिया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ एक रास्ते ऐसे हैं जो अभी भी मेटल्ड नहीं है। मे बी आने वाले टाइम में थोड़े से मेटल्ड हो जाएं, तो मे बी अभी हम 10 ईयर से तो नहीं हुए जब से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर, मे बी शायद आने वाले टाइम में हो जाए। और ये देखिए बच्चे भी देखो कितना अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं अपने बाहर, घर के बाहर, और खेल रहे हैं, खूब मज़ा उठा रहे हैं अपने छुट्टियों का, क्योंकि आजकल शिमला में वेकेशंस पड़ी हैं, दिवाली ब्रेक पड़ी है। तो अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं और बस को लेते हैं, कैच करते हैं, ताकि हम अपनी आशी की डेमो क्लास और समर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम जल्दी से पहुंच जाए। हाय फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि समर एंड आशी कैसे कैसे स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद बाहर निकले हैं और समर ने काफ़ी वेट भी पुट ऑन कर लिया है, तो अब इसके लिए ज़रूरी हो गया है कि ये थोड़ी सी एक्सरसाइज अब स्टार्ट कर ले। तो गाइस, अब आप देखिए कि इतने सारे मॉन्गूज भी हैं यहाँ पर, आप इनकी लाइफ देखिए कितनी कॉम्पैक्ट सी, पर आपको पता है ये कोई ज़्यादा खास जगह नहीं है, पर फिर भी इन्होंने अपने छोटे छोटे एरियाज बनाए हैं जहाँ पर ये रह रहे हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और गाइस, आपको पहली बार मंगूज देखा? और नहीं, आज नहीं देखी, काफ़ी बार है, पर हम भी अभी आ रहे थे और हमने वहाँ देखा, हम भी यहाँ इस एरिया में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और वो एक नहीं तीन चार मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। अब ऑलमोस्ट हम बस स्टॉपेज के आसपास पहुँचने वाले हैं, और हम यूजुअली बस में सफ़र नहीं करते हैं, हम गाड़ी प्रेफर करते हैं, पर हमने सोचा ये भी हमें आदत होनी चाहिए कि बसेज में कैसे सफ़र करते हैं, कि ऑल द टाइम हम गाड़ी से तो नहीं आ सकते, तो इसलिए आज हम बस के लिए जा रहे हैं, और अब हम फटाफट से बस में बैठेंगे और आगे चलेंगे, फिर आगे मिलते हैं आपके साथ। देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम बस स्टॉपेज के पास पहुँच गए और बस भी खड़ी, और हम फटाफट से भाग रहे हैं बस की ओर, और हम बस को फटाफट पिक कर लेंगे। तो आप ये देखिए हम लोग बस में बैठ चुके हैं और जल्दी हमारी और बस स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, अब हम हमारी लिफ्ट पे पहुंच चुके हैं, यही एक ही ऐसा वो है जहां से लोग डायरेक्ट मॉल रोड पे जाते हैं और आते हैं, तो अब हम इस पे चढ़ते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। डायरेक्ट मॉल पे जाए, तो अब जो हमारी सेकंड लिफ्ट है उसके लिए और रास्ता है, तो आप लोग भी देख लीजिए, वो जो सामने एंड में आपको दिख रही है वो वहाँ पर होगी हमारी सेकंड लिफ्ट, वहाँ पर भी टू लिफ्ट कॉर्नर्स है, टू नहीं थ्री है, फिर हम वहाँ से देखते हैं जो फ्री होगा हम उसमें जाएंगे। वी हैव रीच्ड, तो अब हम देखते हैं, अभी ये वाले खाली है, अब हम इसमें चलते हैं। नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड द मॉल रोड, तो आप देखिए कैसा स्टार्टिंग है, और वो जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है वो है कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, तो आप देखिए काफ़ी बड़ा है, और अभी हम इसमें देखते हैं कि आज क्लासेस हो रही हैं या नहीं। तो आज जो
मेरी कराटे क्लासेस थी आज वो हो नहीं पाई, तो फिर अब हम आगे चलते हैं तो और आशिका देखते हैं, आशिका की जो डेमो क्लासेस है। तो आप लोग देख लीजिए ऊपर है झांसी रानी पार्क और काफ़ी आज भीड़ भी है क्योंकि आपको पता है कि आजकल टूरिस्ट सीजन चल रहा है। तो ये है झांसी रानी पार्क की एंट्रेंस, तो आप लोग देख लीजिए काफ़ी अच्छी एंट्रेंस है और साथ ही साथ हम अपनी वे पर भी हैं। आज हम आपको रानी झांसी पार्क सिर्फ इतना सही दिखा पाएंगे, अंदर से नहीं दिखा पाएंगे, किस दिन हम अलग शूट में इसको दिखाएंगे क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं और हमें आशी की डेमो क्लास के लिए जाना है, डांस की डेमो क्लास के लिए। जैसा कि आप सबको पता ही है, आप देख रहे हैं कि आप कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बड़े जो है कोई धूप सेक रहे हैं, कोई घूम रहे हैं। तो मैं एक दिन आपको ये ज़रूर इसका अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी और उसमें आपको पूरे रानी झांसी पार्क का, बड़ा ये फेमस है यहाँ का पार्क, बहुत पुराना है, हमारे टाइम से है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसे अंदर से। आज मैं आपको चर्च का जो साइड व्यू है वो भी दिखाता हूँ, तो काफ़ी अच्छा है चर्च। और ये द मॉल रोड नहीं, द रिज है, जो हम अभी यहाँ से आ रहे थे वो सारा द मॉल रोड था पर द रिज है। और आप देखिए काफ़ी भीड़ है क्योंकि आपका सीजन टाइम है, अभी दिवाली का टाइम है काफ़ी अच्छा। और आप इसका साइड व्यू देखिए काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और सारा यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा चर्च है, पर देखिए ये इट इज़ ऑल चर्च। तो गाइज आपको जैसा कि पता है कि हम आए थे आशी की डांस क्लास के लिए और वो हमें मिल चुका है, देखिए YMCA। और आपको पता है कि आशी कितनी आशी कितनी फॉन्ड है डांस के लिए, आशी अपने न्यू अपने डांसेस भी करती है, आज भी आपको शायद से दिखा सकती है। आशी बहुत एंथुजियास्टिक है डांस के लिए। तो आज आई है आशी की न्यू डांस क्लास, देखिए इट्स सच ए नाइस डांस क्लास। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी है, प्लांट्स भी देखिए आप, अपने इनके सिक्योरिटी हब्स भी हैं इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये शाहसिन का मेन गेट है। तो दिस इज आशीज न्यू डांस क्लास और आप आशी को भी देख ही सकते हैं, आशी काफ़ी एक्साइटेड है, देखिए 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 उसको। और ये आशी के न्यू टीचर्स हैं और काफ़ी बड़ा हॉल भी है साथ में, ये भी देखिए आप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि म्यूजिक लग चुका है और आशी गेट रेडी है डांस करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी उसे एक्साइटमेंट भी है और उसने काफ़ी अच्छी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन हुई है और बच्चे अच्छे से कम्फर्टेबली डांस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आशी की क्लास स्टार्ट हो गया और आशी इंजॉय कर रही है और आशी के साथ इसकी काफ़ी सारी फ्रेंड्स भी हैं और ये लोग सारे बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं अपनी डेमो क्लास को और जो इनके जो सर हैं वो इनको काफ़ी अच्छे से सिखा रहे हैं। पोस्टर में अगर देखा होगा तो उसमें स्ट्रीट डांस लिखा है ना, स्ट्रीट डांस, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ स्ट्रीट डांस का, आप भी गाइस देख सकते हैं कि काफी अच्छा ट्यूटोरियल ये सर करा रहे हैं। हां वो नहीं है स्ट्रीट, मगर क्या होता है स्ट्रीट का मतलब, गलियां स्ट्रीट। आप बोल रहे हो इसे देखने रहे थे आप, क्या मतलब क्या हुआ स्ट्रीट डांस का बताओ। तो गाइस अब आशी की क्लास बिल्कुल ओवर हो चुकी है और आशी ने आज अपनी क्लास में बहुत एंजॉय किया और आशी ऐसा सोच रही है, सोचने नहीं है, आशी इस क्लास को ज्वाइन करेगी और अपनी पूरी आप इसमें जितनी भी अंदर शक्ति है, पावर है, उससे डांस करेगी क्योंकि आज को बहुत मजा आया। तो आशी अब कुछ अपनी डांस क्लास को रिव्यू करना चाहेगी। गाइस अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी, मुझे पसंद आई डांस क्लास। तो अब हम आगे चलते, आप लोग देख भी सकते हैं कि शाम हो गई है, मतलब रात होने वाली है और आशी 3 आवर्स आज डांस क्लास हुई। आशी ने इतनी पावर के साथ किया और ऐसा भी था इसने कुछ स्टेप सीखे भी, जो काफी इंटरेस्टिंग बात थी। इसके लिए तो बहुत एक्साइटिंग है, इसको डांस के शौक है।